नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ओफ्लोप्रो ओजेड सस्पेंशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो ओफ्लोप्रो ओजेड सस्पेंशन मार्केट में आता है, थेमिस कंपनी का आता है। 30 ml का बॉटल पैक रहता है जिसकी कीमत रहती है 58 रुपीज, यानी 58 रुपीज। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूजेस कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। इसके पैकिंग के बारे में देखेंगे। दोस्तों ये इसका बॉटल पैक आता है 30 ml का ओफ्लोप्रो ओजेड। दोस्तों मेनली ये पीडियाट्रिक के लिए यूज़ की जाने वाली दवा है, यानी छोटे बच्चे को यूज़ की जाने वाली दवा है, फॉर पीडियाट्रिक यूज ओनली। तो दोस्तों इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। जो ओफ्लोप्रो ओजेड सस्पेंशन मार्केट में आता है, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाने वाली दवा है। दोस्तों अगर आपके बच्चे को कुछ दस्त की तकलीफ़ है, डायरिया की तकलीफ़ है, पेट में गड़बड़ है, पेट में दर्द है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए बेहद अच्छी दवा है। जिन बच्चे को दस्त हो जाता है, बार बार जुलाब हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, बेहद परेशानी हो जाती है, जो छोटे बच्चों को अगर डायरिया दस्त हो गया तो बेहद परेशानी हो जाती है, उससे छुटकारा पाना बेहद ज़रूरी होता है। उससे छुटकारा पाने के लिए दवा बनाई गई है। दोस्तों बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दोस्तों इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले। दोस्तों इसके अंदर ओफ्लोक्सासिन एंड ओरनिडाजोल, इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे। ये दवा से आपके बच्चों को क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये दवा की वजह से आपके बच्चे की जान मचल सकती है, उल्टी जैसा हो सकता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन, इरिटेशन आपको नज़र आती है, तब अपने नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं, उनको इस बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बढ़िया दवा है। जो भी दस्त की तकलीफ़ है, डायरिया की तकलीफ़ है, उससे छुटकारा पाने के लिए डिलीशियस मैंगो फ्लेवर, तो फ्लेवर भी बढ़िया है, मैंगो फ्लेवर में है, जिससे बच्चे को लेने को आसान हो जाता है। दोस्तों इसके डोसेज के बारे में देखेंगे, कैसा देना है। दोस्तों अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल के आसपास है, तो 5 ml दिन में से 2 या 3 बार आप इसको दे सकते हैं। डोसेज के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। बढ़िया कॉम्बिनेशन है दस्त और डायरिया से छुटकारा पाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Please subscribe my channel. Thank you for watching my video.